तो आज हम एनालिसिस स्लैश एक्सप्लेनेशन स्लैश व्हाटएवर वी कॉल इट करेंगे अबाउट इचिरो ओडा द ऑथर ऑफ वन पीस, जिन्होंने 25 साल से ज़्यादा टाइम तक इस मांगा को लिखा है। वन पीस खत्म होने का रीज़न हो सकता है जिंदगी छोटी पड़ रही हो, अब जिंदगी भर थोड़ी लिखेंगे वन पीस। ओडा ने वन पीस को लिखने से पहले कुछ वन शॉट्स भी लिखी थी जो अच्छी तो थी लेकिन उतनी भी नहीं, और उन्होंने कई लीजेंडरी मांगाकास के अंडर काम भी किया है। ज़्यादातर लोगों से उन्हें यही सलाह मिली कि उनकी स्टोरीज में डेप्थ, मिस्ट्री एलिमेंट्स, करेक्टर डेवलपमेंट, ये चीज़ें और होनी चाहिए, ये लैक करती हैं। इसके बाद ओडा ने इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए वन पीस को लिखा और रिजल्ट सबको पता ही है। अगर तुमने नोटिस किया हो तो वन पीस की हर आर्क में एक फॉर्मूला कॉमन होता है। ये जर्नी एक माउंटेन की तरह होती है जहां स्टोरी में तीन बेसिक चीजें होती हैं। नंबर वन, क्लाइंबिंग जेनेसिस और डेंग्लियन, जहां सारे कैरेक्टर्स मजे कर रहे होते हैं, आर्क का प्लॉट और कैरेक्टर सेटअप किया जाता है, न्यू कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन होते हैं, किसी मिस्ट्री का हिंट दिया जाता है, चीजें अभी शुरू हो रही होती हैं, इसलिए एटमॉस्फेयर काफी फन और एकदम चिल होता है, जिसे देखते वक्त हम एकदम ही कंफर्ट जोन में होते हैं। कुछ लोगों के लिए टाइम बोरिंग भी हो सकता है, जैसे कि हम पहाड़ चढ़ते वक्त फील करते हैं वैसा। नंबर टू, टॉप ऑफ द हिल बिगिंस, इस फेज में काफी कैरेक्टर जो हमें इंट्रोड्यूस किए गए होते हैं उनसे हम बॉन्ड हो जाते हैं, चीजें खराब हो रही होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट स्टोरी में टोटल इन्वॉल्व हो चुके होते हैं, क्रू डिवाइड होता है, सब अपने अपने मिशंस में जाते हैं, कुछ मिस्ट्रीज जिनका हंट मिलता है वो रिवील होते हैं, लेकिन नई मिस्ट्रीज और तैयार हो जाती हैं, लोगों की बैक स्टोरीज और स्ट्रगल दिखाए जाते हैं, और इस पॉइंट पर आगे हमें क्रेविंग्स हो रही होती हैं, सस्पेंस बिल्ड होता है कि आगे क्या होगा, हम यहाँ पूरे बिंज मोड में आते हैं कि अभी यार साला खत्म करके ही छोड़ूंगा, ऑन गोइंग हो तो चीज़ें और ऊपर चली जाती हैं भाई। नंबर थ्री, फाइनल कंक्लूजन और टू बी कंटिन्यू, यहाँ पर सारी चीज़ें कनेक्ट होते हैं, आर के करेक्टर के गोल्स अचीव होते हैं, लूफी विलन को बोलता है आई एम गोना किक योर एस और ऐसा कर भी देता है, मिस्ट्रीज सॉल्व हो जाते हैं, सब कुछ कुशल मंगल बीता होता भी है या नहीं भी, टाइम स्किप के पहले तक यहाँ पे एंड कंक्लूजन होता था, लेकिन टाइम स्किप के बाद आर्क का एंड उसकी नेक्स्ट आर्क को बिल्डअप करने में शुरू कर देता है, लेकिन चीज़ें लगभग सेम ही रहते हैं, जैसे कि जोरो का बेयर बिना, लूफी का पूरे गाँव का राशन खा जाना, रॉबिन को चीज़ें पता चलना, नामी को गोल्ड मिलना, और सब फिर से वापस समुद्र में चले जाते हैं किसी न्यू मेंबर के साथ या फिर उन्हीं ओल्ड मेमोरीज के साथ। ये फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है, इंट्रोडक्शन, कन्फ्लिक्ट, कंक्लूजन, लेकिन इसमें भी ओडा ने सब पॉइंट्स कैटेगराइज किए हैं जैसा कि मैंने बताया, लेकिन ओडा है बड़ा अनप्रेडिक्टेबल, तो चीज़ों का फॉर्मूला भले ही सेम हो लेकिन इक्वेशन कौन सा बनेगा कुछ कह नहीं सकते, इतना आसान कैसे हो सकता है। वन पीस में काफ़ी सोशल प्रॉब्लम्स को भी स्टोरी लाइन में यूज़ किया गया है, कोई भी सीरीज़ अगर उसके एंटरटेनमेंट के साथ साथ कोई वैल्यू भी प्रोवाइड करती है तो उसे देखने में हम और भी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि राइटर्स का कंक्लूजन कैसे निकालेगा, इसके इस टॉपिक पे क्या थॉट्स हैं, इसका क्या सॉल्यूशन ये सोचता है। ज़्यादातर एनिमे की थीम्स कॉमन थीम्स के अराउंड करती हैं या फिर एंड होते हैं, जैसे कि हेट, रिवेंज, मैनिपुलेशन एटसेट्रा, लेकिन वन पीस इन थीम्स को एक लेवल और ऊपर ले जाता है। ओडा है कि इसमें मेन कैरेक्टर इनोसेंट है बट उसके राइवल दुनिया को उड़ा दूंगा वाले एंगर इशूज वाले कैरेक्टर्स नहीं है। वन पीस में रेसिज्म, स्लेवरी, मैनिपुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिटिक्स ये सब है और ये ऐसे लेवल पे है जो काफ़ी रिलेटेबल महसूस होता है, क्योंकि यहाँ हमारे हीरोज़ को विलन माना जाता है और जो एक्चुअल विलन है वो महल में मस्त चिल कर रहे होते हैं, लोगों के पास उनका सपोर्ट है लेकिन पायरेट्स लोगों को कुछ खास पसंद नहीं है। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा नरूटो में पूरा विलेज वर्सेस एनिमा होता था, कई एनिमा में मेन कैरेक्टर के साथ उसी के जैसे सोचने वाली उसकी एक साथ चलती आ रही गैंग होती है, लेकिन वन पीस में स्टूडेंट्स को वहाँ पर जाके पहले लोगों से कुछ कनेक्शन बनाने पड़ते हैं, कुछ कैरेक्टर से इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है, सही गलत का कोई फैसला नहीं होता क्योंकि लोगों की नज़र में पायरेट्स क्रिमिनल हैं। ओडन सिनेरियोज में टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लोर करता है, इसलिए कि उससे रिलेटेड कई माइथोलॉजिकल हिस्टोरिकल लिटरेचर के रेफरेंस भी मिलेंगे, और ये मेरा ओपिनियन है कि मैक्सिमम एनिमे ऐसे कंक्लूजन में फेल हो जाते हैं, और वन पीस की आर्क तो 100 एपिसोड के भी पार जाती हैं यार, उसमें भी इतनी डिटेलिंग करना, ओडा को जीनियस नहीं तो क्या बोलूं भाई, मुझे 2 महीने पहले वाले चैप्टर याद नहीं रहते यार, और ये इंसान 10 साल आगे की प्लानिंग कर चुका होता है। सोर्स, थ्रिलर बाग टू बानो। किसी स्टोरी में ह्यूमर तभी अच्छा लगता है जब वो नेचुरली आ रहा हो, ना कि जबरदस्ती। कई बार ह्यूमर के लिए कैरेक्टर के कैरेक्टर डेवलपमेंट का बलिदान दे दिया जाता है भाई, कैरेक्टर वैसे बर्ताव नहीं करते जैसे वो नॉर्मली करते हैं, जैसे कि सुनेद्रे शाय कैरेक्टर्स इनके तेवर सीरीज में एकदम से ही बदल जाते हैं जो बात हजम नहीं होती और पेट खराब हो जाता है, लेकिन वन पीस में ओडा ने कैरेक्टर को बनाया ही ऐसा है कि उसको कोई ह्यूमर यूज करना हो तो वो नेचुरली आए। नॉर्मली एनिमे में कैरेक्टर अपने रोल में इतने बिजी हो जाते हैं कि एटमॉस्फेयर सीरियस हो जाता है, और ऐसे टाइम पे कोई जोक टॉस करना काफी रिस्की हो सकता है क्योंकि ये प्योर मोमेंटम को खराब भी कर सकता है क्योंकि फिर वो एक पैरोडी टाइप हो जाता है, लेकिन वन पीस में कैरेक्टर नेचुरली वैसे ही बर्ताव करते हैं तो वो सिचुएशन में आराम से फिट हो जाता है, जैसे कि जोरो का खो जाना, गॉड सुपर वाला मोमेंट, रॉबिन का एकदम से डरावनी चीज कहना, वी ट्राइव का कॉर्नर में जाके चुपना, सब फिट भी रहता है, 2 मिनट ह्यूमर फिर आर्क का काम फिर से चालू। और वन पीस में लगभग हर टाइप की कॉमेडी तुम लोगों को देखने को मिलेगी, जैसे कि सार्कैसम, डार्क और मेन ह्यूमर चाहिए तो हमारे पास सुपर और रॉबिन है, इनोसेंट ह्यूमर के लिए चॉपर, लूफी और जोरो है,
आपको स्ट्रेट करेक्टर के साथ खेलना हो तो भी जोरो लॉ और सांझी हैं यार। अगर किसी को गुस्सा करते हुए दिखाना हो तो पूरा क्रियो है, किसी को लालची दिखाना हो तो नाम ही है, परवर्ट करेक्टर के लिए सांझी और मोमो है, ओल्ड मैन जोक्स और हैबिचुअल ह्यूमर को दिखाना हो तो ब्रूक की हड्डियां हैं यार। जोरो का खो जाना, लूफी की आंखों में मीट आना, सब कुछ मिलेगा, जो पसंद आए वो एंजॉय करो यार। आज के लिए बस इतना ही यार, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो। अगर इस वीडियो पर 300 लाइक कंप्लीट हो जाते हैं ना तो उसका पार्ट 2 पक्का आएगा। चैनल पर नए हो आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, आउट्रो के लिए कोई डायलॉग नहीं है यार, अब जाओ निकलो यहाँ से, खत्म वीडियो। हाँ जाओ भाई यार, जाओ।